अब खत भी नहीं आते। साथियों के लिए पेश कर रहा हूं। अब खत भी नहीं आते। सदर साहब, अध्यक्ष जी सुने, अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आते। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आते। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आते, नहीं आते। अब खत भी नहीं आते, खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। उनको क्या याद मेरी, उनको जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी उनको जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी उनको जरा भी नहीं आती। हालांकि बहुत मजे में सुन रहे हैं लोग, लेकिन हमारे भाई ने फिर मुझे 10 रियाल देकर मेरी हौसला अफजाई की। जनाब कुदरतुल्ला भाई, उनकी जानिब से फिर 10 रियाल मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। मतला दोबारा, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। तो क्या या तो मेरी उनको, क्या याद मेरी उनको जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी उनको जरा भी नहीं आती, जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी उनको जरा भी साहब।
एक और मतला है, बीमार बीमार मोहब्बत, बीमार मोहब्बत को कजा भी नहीं आती, 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 तो बीमार मोहब्बत को कजा भी नहीं आती, बीमार मोहब्बत को कजा भी नहीं आती, कज़ा भी नहीं आती, कुछ काम फकीरों की, कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती, कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती, तो कुछ काम को कजा भी नहीं आती, कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। अब शेर सुने साहब, किस किस ने मोहब्बत की है, मोहब्बत करने वाले, ओहो हाथ उठाए भाई आज जरा, बहुत पहले अच्छा आपने भी की है मगर ये याद रखिए भाई, मोहब्बत जब सुकून जिंदगी बर्बाद करती है तो लब खामोश रहते हैं, नजर फरियाद करती है कुछ ऐसा मुस्तरिब, ऐ दोस्त तेरी याद करती है अध्यक्ष साहब कि खुद हमसे हमारी जिंदगी फरियाद करती है। ये देखिए 100 रुपए का नजराना मिला, अच्छा ये अध्यक्ष साहब ने दिए 50 रुपए, शुक्रिया। और ये 100 रुपए हमारे लाल बाबू साहब की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत जब सुकून जिंदगी बर्बाद करती है तो लब खामोश रहते हैं, नजर फरियाद करती है कुछ ऐसा मुस्तरिब, ऐ दोस्त तेरी याद करती है कि खुद हमसे हमारी जिंदगी फरियाद करती है, कि खुद हमसे हमारी जिंदगी फरियाद करती है। मैं शेर पढ़ रहा हूं गजल का, मैंने कहा कि बीमारे मोहब्बत को कजा भी नहीं आती, नजर मोहम्मद साहब कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती, क्यों हमारे बहुत सारे करम फरमा जो पीछे बड़े प्यार से सुन रहे हैं, मैं शुरू से ही देख रहा हूं, ये शेर मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं, सुने कैसे। दुखा के क्यों होते
मेरे दिल को दुखा के दुखा के क्या तुमको मनाने की क्या तुमको मनाने की अदा भी नहीं आती और क्या तुमको मनाने की अदा भी मुझे इस गजल के शेर पर मिले हैं भाई की जानिब से, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए दो शेर और पढ़ूंगा बस। क्यों होते हो बेचैन मेरे दिल को दुखा के क्या तुमको मनाने की अदा भी नहीं आती, मगर ये शेर मेरी पसंद का है, समाज फरमाइए कैसे। ये शेर शीशे सुनिए साहब, शेर का मर्डर ना करें, शेर पेश कर रहा हूं मैं। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। देखिए इसे गजल का मजा खराब होगा, जहन फटता है। ये चाय क्यों मंगा लेते हैं आप लोग बीच बीच में, हमने अभी तक नहीं पी जब से बैठे गाए जा रहे हैं, कोई सबील थोड़ी हो रही है यहाँ पे यार, प्रोग्राम हो रहा है तो सुनो ना, इतनी ठंड है आज अल्लाह का करम है आज ठंड कम है, पिछले दो तीन दिन ज्यादा थी कई प्रोग्रामों में, तो बस कुछ मत पूछो, पिछले हफ्ते जो भी प्रोग्राम किए मैंने बड़ी ठंड थी उन प्रोग्रामों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं आपका जहन इस शेर की तरफ लाना चाहता हूं, तवज्जो। ऐ मेरे दोस्तों शीशे की तरह तोड़ी ही देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को। देखिए परसों पहले तकरीबन 30 साल पहले मैं एक गजल पढ़ता था, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, जिस दिन तेरी याद ना आए उस दिन मुझको मौत आ जाए। देखिए ये शेर अब आज के दौर में हमारे कुछ छोटे भाई अपनी गजलों में बंद में पढ़ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो जिसको अच्छा लगता है पढ़ता ही है, हालांकि मेरी रिकॉर्ड गजल है ये, बहुत पहले मैंने गाया था। शीशा टूटे अपना अपना अंदाज,
अरे शीशा टूटे गुल मच जाए, 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 दिल टूटे अरे दिल टूटे, हाँ दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, अरे सांप डसे तो दोस्त बचाए, मगर दोस्त डसे तो कौन बचाए, 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 तो कौन बचाए, डसे तो। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेरे दोस्त अहबाब लोगों का जिन्होंने मुझे इन मिसरों पर, जुनैद भाई ने भी 100 रुपए से नवाजा, और हमारे भाई वो जो अभी माशाल्लाह बहुत सारे नजराने से मुझे नवाज कर गए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भाई सुनना एक बार फिर, हेलो भाई सुनो भी, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, अरे दिल टूटे टूटे दिल टूटे टूटे दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए। मोहम्मद उमरान अली साहब उबैद भाई की जाने से ये 100 रुपए मिले हैं, शुक्रिया। दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, अरे सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे जब दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। अच्छा अच्छा देखिए हमारे शरीफुल चचा की जानिब से भी 100 रुपए मिले हैं, कहाँ बैठे हैं चचा? आए चचा शरीफुल, चलिए जहाँ भी हैं चचा, जहाँ भी गए हैं दौड़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यहीं गए हैं, भतीजों के हाथ भिजवाया उन्होंने नजराना। मैं शेर ये पढ़ रहा था, तवज्जो, शीशे पर बात निकली तो मुझे याद आ गया, मगर शीशे शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को,
प्रदेश अध्यक्ष जी, ये देखिए 100 रुपए और आए हैं। इरशाद होटल हलवा पराठा, हो बात है, होटल वालों ने भी मुझे नवाजा, शुक्रिया जी। जी हमारे अध्यक्ष साहब जनाब फरमान भाई, क्या बात है, फरमान भाई ने मुझे कई बार नजराना दिया, और ये 200 रुपए जनाब कुदरत साहब दुबई जरवली, उनकी जानिब से फिर 200 रुपए आए हैं। कुदरत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर सुन ले गौर से, शीशे की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को, शीशे की तरह तोड़ी देते हैं दिलों को। कुदरत भाई ये कैसे सितम कर हैं, अरे ये कैसे सितम कर हैं, अल्लाह की कसम इन्हें दया भी नहीं आती, ये कैसे सितम कर हैं, दया भी मोहम्मद साहब सऊदी वाले, 50 रुपए से आपने नवाजा आस मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया। शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, शीशे की तरह आस मोहम्मद भाई, कसम खुदा की शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। ये देखिए हमारा इश्तियाक अली साहब, पांचों पीर मियां सरकार, उनकी जानिब से ये नजराना मिला है 50 रुपए। ये 200 रुपए फिर मुझे जनाब कुदरत साहब दुबई वालों की जानिब से मिले हैं। मैं अपने भाई कुदरत भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर पढ़ूं, इजाजत हो तो आखिरी शेर भी पढ़ लूं। आहा वाह, फिर हमारे शरीफुल चचा ने ये 100 रुपए से नवाजा है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुल चचा। ये फुरकान कुवैती, उनकी जानिब से फुरकान भाई की जानिब से 100 रुपए मिले, शुक्रिया। जी क्या बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा 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 अच्छा, देखिए साहब जब शेर कंप्लीट हो जाए तो नजराना आप उस वक्त दिया करें, इनका कहना ये है। बहुत बहुत शुक्रिया नजरुल कमर साहब, मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, मूड बन गया, गजल के सुनने वाले थे, अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए बीच बीच में नजराने भी आ रहे हैं, मैं ऐलान कर रहा हूं। खैर आखिरी शेर पढ़कर मैं इस गजल को खत्म करूंगा। चीज है इस दौर में साहब, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब। देखिए मैं आम शादी की बात नहीं कर रहा हूं, इस दौर में अगर कोई बेवा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से उसके लिए दूसरा रिश्ता मिलता है। लोग बेवाओं के साथ आजकल रिश्ता करना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं समझते, जबकि मेरे नबी जिनके 11 निकाह हुए
और उनमें से सिर्फ एक बीवी ही उनकी कुंवारी थी, बाकी आपने बेवाओं के साथ ज्यादा निकाह किए थे, जितने भी किए थे उन 11 में से। लेकिन शायर कहना यह चाहता है कि आज के इस दौर में बड़ा मुश्किल है, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, बेवाओं के हिस्से में, बेवाओं के हिस्से में, कुदरत भाई बेवाओं के हिस्से में, बेवाओं के हिस्से में हिना भी शरीफुल चचा। सुनो चचा क्या कह रहा है तुम्हारा बच्चा, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, बेवाओं के हिस्से में, बेवाओं के हिस्से में हिना भी आते, अब खत भी नहीं आती, नहीं आती, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती, क्या याद मेरी उनको, क्या याद मेरी उनको जरा भी नहीं आती, जरा भी नहीं आती, जरा भी